मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकला वर्मा, योर ईवीएस टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 8. द चैप्टर नेम इज अवर फैमिली. स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. अवर फैमिली मीन्स हमारी फैमिली. फैमिली मीन्स परिवार. फैमिली मीन्स क्या होता है? परिवार. अब परिवार किसे कहते हैं? जहाँ पर हम रहते हैं और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे भाई बहन, हम, हमारे पापा मम्मी, तो ये सब हमारी क्या कहलाती है? फैमिली कहलाती है. फैमिली न्यूक्लियर भी होती है, बिग भी होती है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू गेट रेडी. नाउ पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली इन द गिवन बॉक्स. स्टूडेंट्स, सी दिस बॉक्स. सी दिस बॉक्स. इस बॉक्स में आपको अपनी फैमिली के क्या करने हैं? पिक्चर्स पेस्ट करने हैं. ओके, आपको अपनी फैमिली के पिक्चर्स पेस्ट करने हैं इस जगह पे. ओके, नाउ स्टार्ट टू फर्स्ट पैरा. वी ऑल लिव इन अ फैमिली. हम सभी लोग कहाँ रहते हैं? एक फैमिली में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस टुगेदर मेक अ फैमिली. पेरेंट्स और बच्चों से मिल करके, मीन्स मम्मी पापा और बच्चों से मिल करके एक परिवार बनता है. लुक एट दिस पिक्चर. आप इस पिक्चर को देखिए. इस पिक्चर में पेरेंट्स हैं. कौन कौन हैं? फादर, मदर एंड ब्रदर एंड सिस्टर. ओके, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर मीन्स कि हम और हमारे पेरेंट्स, हम बच्चे और हमारे पेरेंट्स, ये मिल करके एक परिवार, इनसे मिल करके एक परिवार बनता है. एंड हु इज दिस फैमिली? दिस फैमिली, हु इज दिस फैमिली? यह किसकी फैमिली है? यह किसका परिवार है? सी दिस इन सेंटेंस. दिस इज राहुल्स फैमिली. यह राहुल की फैमिली है. दिस इज राहुल्स फैमिली. यह राहुल की फैमिली है. मीन्स यह राहुल का परिवार है. ही हैज फादर, मदर एंड अ लिटिल सिस्टर अनुजा. उसके यहाँ कौन कौन है उसकी फैमिली में? फादर, मदर, है ना, उसके पापा, मम्मी और उसकी छोटी बहन अनुजा है. हिज फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. इसकी फैमिली क्या है? छोटी फैमिली है, स्मॉल फैमिली है और न्यूक्लियर फैमिली है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. क्लास असाइनमेंट. क्लास असाइनमेंट. यहाँ पर क्लास असाइनमेंट से एक असाइनमेंट है जिसे आपको कंप्लीट करना है. तो ये आपका होमवर्क है, ये असाइनमेंट. ये आपका होमवर्क है जिसे आपको खुद कंप्लीट करना है. फिल इन योर फैमिलीज डिटेल्स. यहाँ पर आपको अपनी फैमिली के डिटेल्स फिल करने हैं. लाइक माय फादर्स नेम इज़, आपको अपने फादर का नाम राइट, नाम लिखना है, मिस्टर, ठीक. माय मदर्स नेम इज़ मिसेस. यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम लिखना है. I have dash brother या brothers. आपके कितने भाई हैं? वन भाई, वन ब्रदर है तो आप वन ब्रदर लिखेंगे, टू ब्रदर है तो टू ब्रदर्स लिखेंगे, तो वन, टू, थ्री, फोर, जितने भी. ओके, नेक्स्ट है I have dash sister and sisters. यदि आपकी वन सिस्टर है तो सिस्टर होगा, यदि वन से ज़्यादा है तो सिस्टर्स होगा. ओके, there are dash people in my family. है ना, तो मेरी फैमिली में कितने लोग हैं? जैसे 8 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं, तो ये आप यहाँ पर नंबर राइट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट पैरा. राहुल्स क्लासमेट अंकित लिव्स विथ हिज फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर. अब यहाँ पर बताया गया है कि राहुल, राहुल्स क्लासमेट अंकित,
राहुल का जो क्लासमेट है वह कौन है? अंकित है। राहुल का क्लासमेट कौन है? अंकित है। अंकित लिव्स विथ हिज फादर, मदर, ब्रदर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। अंकित जो है वह अपने पापा, मम्मी, भाई, दादा और दादी के साथ रहता है। हिज अंकल, आंट एंड कजन्स ऑल्सो लिव विथ दैम। और उनके चाचा, चाची और उनके कजन्स भी उनके साथ रहते हैं। किसकी फैमिली में? किसकी फैमिली में? राहुल के फ्रेंड अंकित की फैमिली में। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? दी सेकेंड नेम इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दिस इज कॉल्ड फैमिली नेम और सरनेम। क्या आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारी फैमिली में एक नेम होता है जो फैमिली के हर एक मेंबर यूज़ करते हैं, है ना? यस, इस नेम को हम फैमिली के हर एक मेंबर यूज़ करते हैं, इसे सेकेंड नेम भी कहा जाता है। ठीक, दिस इज़ अ सेकेंड नेम। यह कौन है? यह दूसरा नाम है जो कि हम अपने नाम के आगे लगाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फैमिली नेम और सरनेम। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? परिवार का नाम या सरनेम, इसे हम क्या कहते हैं? सरनेम। जैसे पूजा मिश्रा, पूजा इज़ फर्स्ट नेम एंड मिश्रा इज सेकेंड नेम। ओके, अंकित्स फैमिली इज बिग और जॉइंट फैमिली। अंकित की फैमिली बड़ी और जॉइंट फैमिली है, बिग फैमिली है ना, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं, है ना। और वह जॉइंट फैमिली कैसी होती है? बिग होती है। मोर अबाउट अ फैमिली। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोर अबाउट अ फैमिली। अब फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब उस फैमिली में कौन सा मेंबर क्या वर्क करता है, ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। दिस इज राहुल्स मदर। सी दिस पिक्चर, दिस इज राहुल्स मदर। ये कौन है? ये राहुल है और ये राहुल की मम्मा है। ये राहुल है और ये राहुल की मदर है। ओके, तो यहाँ पर राहुल क्या बताना चाह रहा है? राहुल बताना चाह रहा है कि दिस इज शी इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है। इसमें बोल रहा है, बट राहुल के बारे में बताया जा रहा है कि यह राहुल की मम्मी है और वह एक टीचर है। एट होम शी कुक्स फूड फॉर द फैमिली। जब वह घर पर रहती हैं तो वह अपनी फैमिली के लिए क्या बनाती हैं? खाना बनाती हैं। मम्मी है तो खाना तो बनाएंगी। तो मम्मा जब घर पर रहती हैं, राहुल की जब घर पर रहती हैं तो वह क्या बनाती हैं? खाना बनाती हैं। She also takes care of all the people in the family. और वह फैमिली के हर एक मेंबर के काफ़ी केयर भी करती हैं। This is Rahul's father. Where? This. This is Rahul's father. This is Rahul and his little sis. Okay, this Rahul, he works in a bank. अब राहुल के फादर कहाँ पर काम करते हैं? राहुल के पापा
एट होम ही हेल्प्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और जब वह घर पर रहते हैं तो वह घर के काम में हेल्प करवाते हैं, घर के कामों में हेल्प करते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ द स्टडीज ऑफ द चिल्ड्रेन एंड अदर इम्पॉर्टेंट मैटर्स। ही टेक्स केयर ऑफ द स्टडीज ऑफ द चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, और उनके जो इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उनमें उनकी हेल्प करते हैं, अपने किसकी, अपने बच्चों की। ऑल द मेम्बर्स इन अ फैमिली हेल्प एंड केयर फॉर ईच अदर, ऑल द मेम्बर्स इन अ फैमिली, फैमिली के सभी मेम्बर्स भी हेल्प करते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं, केयर करते हैं। ये जब हम एक ही फैमिली में रहते हैं और फैमिली में सभी एक साथ रहते हैं, मीन्स एक बड़ी सी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ में रहते हैं और उनकी केयर भी करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, हॉर्स में क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव हियर द टर्म फैमिली कस्टम्स, डिफाइन दिस टर्म। तो क्वेश्चन इज, यू मस्ट हैव हियर द टर्म फैमिली कस्टम्स, आपके परिवार में या आपके यहाँ फैमिली कस्टम होना चाहिए, मीन्स एक परिवार में एक प्रथा होनी चाहिए। डिफाइन दिस टर्म, तो इस टर्म को डिफाइन कीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट्स, चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम एंड आउटसाइड, डू यू हेल्प योर फैमिली एट होम, टेक द करेक्ट पिक्चर्स। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसे आप देख सकते हैं। इन पिक्चर्स में है कोई कुकिंग कर रहा है, कोई वॉशिंग क्लॉथ्स है, वाटरिंग प्लांट्स, क्लीनिंग द हाउस, लेइंग द टेबल, इनपुटिंग द टॉयज बैक एट देयर करेक्ट प्लेस। ओके, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम एंड आउटसाइड। चिल्ड्रेन जो वे स्टूडेंट्स जो वे बच्चे जो अपने घर पर या घर से बाहर अपने मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, डू यू हेल्प योर फैमिली एट होम, क्या आप कुछ इस प्रकार की फैमिली में हेल्प करते हैं, यदि करते हैं तो टिक लगाइए। क्या आप अपनी मम्मा के साथ खाना बनाने में हेल्प करते हैं, यस आई नो, यस। लेकिन बेटा आप तो बहुत छोटे हो, आप अभी हेल्प नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जब बड़े हो जाएंगे तो हेल्प करेंगे। सेकेंड पिक्चर में देखिए, इन क्लीनिंग द हाउस, है ना, तो क्या आप हाउस क्लीन करने में हेल्प करते हैं अपनी मम्मा की, यदि करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है इन वॉशिंग क्लॉथ्स, मम्मा जब कपड़े धो रही होती तो क्या उनकी कपड़ा धुलने में हेल्प करते हैं, यस तो राइट एंड रॉन्ग, नो तो रॉन्ग। इन लेइंग द टेबल, क्या आप टेबल में मम्मी की हेल्प करते हैं, टेबल पर खाना सर्व करने के लिए, खाना खाने की प्लेट्स लगाने के लिए। इन वाटरिंग द प्लांट्स, क्या आप प्लांट्स में पानी डालते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, यदि हाँ तो टिक लगाइए। इन पुटिंग द टॉयज बैक एट देयर करेक्ट प्लेस,
क्या आप जो है अपने टॉयज़ को, अपने खिलौनों को सही जगह पर रखते हैं? यदि रखते हैं तो राइट, नहीं रखते हैं तो रॉन्ग। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।